इससे बेहतर टेलीविजन डेब्यू मांग सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बट मैं एक बहुत ही एवरेज ट्रैवलर हूँ मैं ट्रैवलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और डेब्यू भी कर रही हूँ तो एक ट्रैवल शो के साथ कर रही हूँ जो कि बॉलीवुड से कनेक्टेड है हमने इस शो में दस नामी डायरेक्टर्स के बॉलीवुड डायरेक्टर्स से बात की है और उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि उन्होंने इस लोकेशन पे अपनी इस फ़िल्म को शूट करते वक्त क्या क्या एक्सपीरियंस किया क्या क्या उनकी फेवरेट चीज़ें रही वो लोकेशन क्यों चूज़ की उन्होंने तो uh, ये सारा उन्होंने बताया है एंड देन आई हैव ड्रिवेन ऑल अक्रॉस इंडिया इन जीप बाई माई सेल्फ एंड

बहुत सारी जगह हैं जो मैं ऑलरेडी पहले विजिट कर चुकी थी बट इस टाइम जब जीप बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ मैं उन जगहों पे गई तो मेरा एक अलग ही नज़रिया बन गया उस जगह को लेकर बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जैसे कि वाराणसी में जो गंगा घाट आरती मेरे मैंने एक्सपीरियंस की वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस की शाम में होती है और जिस तरीके की वाइब और एनर्जी हो जाती है उस जगह में इट इज़ ब्यूटिफुल

इतने अप्रिशिएशन और जो आप थिंक करती हैं बहुत ही हटके रहता है सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सेइंग दिस बहुत सारे लोग आई डोंट थिंक आपके जैसा सेम ओपिनियन रखेंगे सो दैट्स व्हाई थैंक यू अ लॉट मुझे यू नो मुझे ये फील होता है कि अगर मैं एक्टर हूं तो मेरा काम ही है कि अलग-अलग जर्नर्स अलग-अलग चीजें एक्सप्लोर करूं क्योंकि इज इन दैट वॉट एन एक्टर इज सपोज टू डू अगर मैं सेम ही तरीके की चीजें वही वही कर रही हूँ तो वॉट इज द फन इन इट दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि मैं यू you नो know, अपना एक्सपेंशन uh, करूँगी और यू नो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी फिल्म्स करूँगी तो पंजाबी में मैंने फिल्म्स की है और भी कर रही हूँ तेलुगु में मैंने पिछले साल एक फ़िल्म की इन uh, जिसमें मैंने एक अंडर कावर एजेंट प्ले किया था वो करने में काफ़ी मज़ा आया वो कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था बिकॉज द लैंग्वेज इज़ रियली डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट तो एंड नाउ फाइनली दिस ट्रैवल शो सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिला है मेरे करियर में और इस ट्रैवल शो को तो लेके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जो भी किया है उसमें लोगों ने जरीन ख़ान दी एक्टर देखा है बट इसमें दे आर गोइंग टू गेट टू सी मी जरीन खान एज शी इज़ यू नो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लोगों uh, ताकि लोग ये शो देखें जी बॉलीवुड ट्रेल्स क्योंकि उनको ये ज़्यादा मुझे ज़्यादा नजदीक से जानने मिलेगा है okay, मैं आपने आपने जैसे कि 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 अभी अभी कहा जितना हो सके करने की की कोशिश पंजाबी हिंदी वेब और डिजिटल तो अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आई थिंक समवेयर आवर थिएटर आर सफरिंग बट आई थिंक इट्स ग्रेट इसके अपने प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है बहुत अच्छे कॉन्टेंट्स बन रहे हैं तो समथिंग कॉन्टेंट ड्रिविन तो डेफिनेटली करूँगी इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी डेब्यूटिंग दिस ईयर ऑन वेब विद अ व वेरी वेरी स्ट्रांग कॉन्सेप्ट ऑफ अ वुमन पर्सनलिटी दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग बट

वेल well, हमारी कंट्री इतनी मतलब से भरी हुई है दर सो मेनी इशूज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी आई मीन जोक्स अपार्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो नाउ मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेज आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डीलिंग विद दीज इशूज जैसे अभी दीपिका ने जो छपाक yeah. बनाई थी आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड द वे शी हैज़ डिपिक्टेड दैट कैरेक्टर ऑफ मालती इट्स ब्यूटिफुल तो बहुत सारी ऐसी इशूज uh, uh, हैं जो डील करने के लिए ज़रूरत है मेरी एक जो आने वाली फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले वो भी एक ऐसी फिल्म है जो एल कम्युनिटी के स्ट्रगल्स को डिपिक्ट करती है इन अ फ़न मैनर फॉर शो ऐसे कोई ज्ञानी प्रीची फिल्म नहीं है इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी एक गे लड़के की और एक लेसबिन लड़की जो मैं प्ले कर रही हूँ और उनकी दोस्ती की और uh, यू you नो know, uh, वो सोसाइटी के स्टिग्मा के साथ डील uh, करती है कि भले ही हमको गवर्नमेंट से कंट्री में फ्रीडम मिल गया है सेक्शन 377 अप्रूव हो गया है बट अभी तक सोसाइटी से हमारी खुद की फैमिली से ये फ्रीडम नहीं मिला है आज तक आई आई हैव गे फ्रेंड्स जो अभी तक अपने फैमिली से छुपके हैं जो अभी तक अपनी फैमिली को जाके ये कन्फेस नहीं कर पाए हैं कि यू you नो know, हम गे हैं वो लोग उसकी उनकी फैमिली उनके लिए लड़कियाँ ढूंढ रही है सो so, As a best, a best film बदलना तो चाहिए क्योंकि उसी इंटेंशन से हमने ये फिल्म बनाई है uh, somehow, Uh, अभी यू you नो know, जिस तरीके की फिल्म बन रही है एल जी ब्यूटी की कम्यूनिटी पे ज़्यादा तो नहीं बन रही है बट जो भी बनती है वो इतना खुल के इस सब्जेक्ट को डील नहीं करती और अगर बनती भी है तो वो थोड़ा सा डार्क जोन में चली जाती है बहुत सीरियस जोन में चली जाती है और उससे पहले अगर फिल्में बन रही थी सो दे ओनली यूजिंग गे कैरेक्टर्स एज जस्ट मतलब उनका मजाक उड़ाने के लिए या कैरेचर या कुछ ना कुछ एज अ जोक

हाँ जी बॉलीवुड ट्रेल्स मेरे टीवी का डेब्यू मार्क करता है और ये 25 जनवरी से एक्स पे आने वाला है रात के आठ बजे मुझे ये शो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हर एक जगह जाके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये शो देखते वक्त उतना ही ज़्यादा मज़ा आया सो so देख के देखना भूलिएगा नहीं थैंक यू सो मच ये